बिहार की राजनीति में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार का मन आरजेडी के नेताओं के व्यवहार से फट गया है। काफी निराशा में नीतीश ने अपने ही नरेंद्र मोदी हटाओ मिशन से खुद को अलग कर लेने की ठानी है। बीजेपी ने भी अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या बीजेपी सरकार बनाने की हड़बड़ी में नहीं है? क्या बीजेपी का ध्यान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की नजर पर है? क्या बीजेपी ये चाह रही है कि आरजेडी सरकार से समर्थन वापस ले तो बीजेपी को खेला करने में आसानी होगी? दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पास दो विकल्प हैं। एक तो अभी की सरकार से समर्थन वापस ले और राज्यपाल से बड़े दल का दावा करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करें। संभव है कि आरजेडी सुप्रीमो सरकार बनाने के मैजिक नंबर की सूची राज्यपाल को सौंपे। इस सूची में 79 आरजेडी, 19 वाम दल और 16 कांग्रेस विधायकों के साथ कुछ और विधायकों के हस्ताक्षर समेत विधायकों की संख्या राज्यपाल को सौंपेंगे। कुछ और विधायकों में जेडीयू के उन विधायकों का नाम हो सकता है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ललन सिंह ने कुछ विधायकों को तोड़ लिया है जो लालू प्रसाद को सरकार बनाने के मैजिक नंबर तक पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि नीतीश इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करें, तब राज्यपाल के यहाँ आरजेडी भी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। का लबोलुआब ये है कि आरजेडी के तमाम समीकरण तभी शक्ल ले सकते हैं जब आरजेडी को बड़ी पार्टी मानते हुए राज्यपाल की ओर से तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फ्लोर टेस्ट में आरजेडी सुप्रीमो बाजी भी मार सकते हैं। फिर अगर राज्यपाल ने आरजेडी की अर्जी को स्वीकार कर लिया और सदन में बहुमत साबित करने को कहा तो यहां लालू यादव को अपनी तमाम रणनीति दिखाने का मौका मिल सकता है। लालू यादव ऐसे में बड़े रणनीतिकार की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कोटे से हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पास असीमित पावर है। फ्लोर पर बहुमत साबित करने में विधानसभा अध्यक्ष मदद कर सकते हैं अगर मैजिक नंबर को पूरा करने के लिए जेडीयू के कुछ विधायक सपोर्ट करते हैं तो। विधानसभा अध्यक्ष सेपरेट ग्रुप का दर्जा देकर आरजेडी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे ग्रुप को अलग गुट की मान्यता दी थी। दूसरी स्थिति ये है कि जेडीयू के कुछ विधायकों को अनुपस्थित कराकर सदन में बहुमत साबित किया जा सकता है, या फिर मैजिक नंबर पाने के लिए कुछ और विधायकों से इस्तीफा दिलाकर भी अपनी रणनीति को लालू प्रसाद कारगर बना सकते हैं। अब देखिए कि मामला कहां फंस सकता है। सबसे पहले मामला राज्यपाल के पास अटक सकता है। क्या आरजेडी के दावे को राज्यपाल स्वीकार करेंगे? प्रश्न तो ये भी है कि क्या आरजेडी सरकार से समर्थन वापस लेगी? सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू के विधायक सच में राज्य में आरजेडी की सरकार बनाना चाहते हैं? क्या जेडीयू के विधायक आरजेडी को समर्थन या अनुपस्थित होकर आरजेडी सुप्रीमो को मदद करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अगले एक दो दिन में खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।